कैसे हो आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे रहें, खुशहाल रहें। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्पेशल ट्रिक से, बहुत ही आसान तरीके से जूसी फ्लफी और रेसिपी आज बताने वाली हूँ मैं आपको किशमिश बनाने की। तो किशमिश कैसे बनाते हैं बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी और वो आप जरूर बनाएंगे। इतना ईजी और सिंपल होगा कि आप भाई मार्केट का क्यों खाएंगे, आप जरूर बनाएंगे। तो बताइएगा जरूर कैसा बना और आप भी ट्राई कीजिए। और कोई भी इशू होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और जो है चलते हैं मेरे रेसिपी की तरफ। अंगूर, ये एक पाव जो है मैंने लिया है अंगूर, और ये बहुत ही अच्छे वाले अंगूर हैं। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे बड़े वाले अच्छे पीसेस में हैं। इसका हम डंठल से ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसको फिर उसके बाद जो है हम डाल देंगे पानी में, और इसको हम 3 बार ऐसे ही वॉश करेंगे, क्योंकि हम मार्केट में जो भी अंगूर हमारे जो होते हैं ना उस पर बहुत सारी मक्खियाँ लगी होती हैं। देख सकते हैं मैंने सारे ग्रेप्स को जो है इससे डंठल से निकाल दिया है, और ये 2 ख़राब थे तो इसको मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अगर 1-2 ख़राब होता है तो आप उसको निकाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो बाकी के जो हम बनाएंगे वो जो है इसमें जो है ख़राब कर देंगे बाकी के किशमिश को। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये 3री बार मैं वॉश करने जा रही हूँ। तो मैंने ले लिया है भगोने में पानी, और ये है हमारे ग्रेप्स जो ऑलरेडी 2 बार मैंने धो दिया है। इसको ऐसे आप ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से जो है ऐसे हाथों से हल्का हल्का कीजिए, नहीं तो ये जो है फट जाएंगे। और ऐसे आपको निकाल लेना है वापस से। तो सेम इसी तरीके से मैंने इसको 3 बार जो है अच्छे से वॉश किया है। डाल रही हूँ 1 गिलास पानी, और 1 कर दिया है गैस को ऑन। और मेरे पास एक ऐसा था स्टीम के लिए, तो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। मेरे पास एक ऐसा था तो मैंने ये ले लिया है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप एक कपड़ा भी बांध सकते हैं इसके ऊपर, तो उस तरीके से भी ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम रख देंगे सारे ग्रेप्स को, और अच्छे से इसको फैला लेंगे। जितना इसमें हो पाए आप उतना ही डालिए, ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिएगा। इसको हम ऐसे रख के फैला देंगे स्टीम होने के लिए, और नीचे हमने स्लो कर दिया है अपने फ्लेम को। और ये है मेरे पास इडली स्टैंड का ढक्कन, मैं इसको कर दूंगी कवर। आप चाहे तो इसको इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भगोने में बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अगर आपका किसी और बर्तन से इसको ढक सकते हैं, भाप नहीं निकल रहा है बाहर, तो आप उससे भी ढक सकते हैं। मैंने इससे ढक दिया है खोने। ये देखिए ओनली 3 मिनट में इसके कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गए हैं। आप देख सकते हो, मैं कैमरा को और पास में लाती हूँ, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, डार्क ग्रीन में आ गया है। बस सेम इसको रखना है, इतना ही रखना है हमें, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। सिर्फ 3 मिनट आप इसको जो है आप इसको स्टीम कीजिए। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छा परफेक्ट जो है ये अच्छे से परफेक्ट जो है हो चुका है। और इसके पहले जो इसका कलर था वो ऐसा था, अब कंपेयर कर सकते हैं आप। पहले इसका जो कलर था वो ये था, अभी इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, एक कपड़ा लेंगे कॉटन का या जो आपके पास है आप वो ले सकते हैं, और इसको धूप में हमें 3 दिन तक सुखाना है। 3 दिन में ये प्रॉपर जूसी फ्लफी बहुत ही अच्छा किशमिश बन के रेडी होने वाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। कॉटन का कपड़ा नहीं है तो आप चाहे तो इसको एक प्लेट में भी धूप में सुखा सकते हैं, धूप में सुखाने के बाद जो है यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना जूसी और कितना अच्छा जो है हमारा किशमिश बन के रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा किशमिश रेडी हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं बोलूँ बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जितना मैंने बनाया था उससे थोड़ा सा ये कम है, क्योंकि ये जो मेरी छोटी है वो उसने क्या किया कि जैसे धूप में जब जब मैंने उसको डाला किशमिश को, वो तब तब क्या किया कि जब उसका मूड हुआ मुँह में डाला और फिर नीचे फेंक दिया, तो ऐसे करके थोड़ा सा ये कम हो गया है। लेकिन आप ऐसे ही बना के आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, और ड्राई फ्रूट की जहाँ ज़रूरत हो रिक्वायरमेंट हो आप वहाँ डाल सकते हैं। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है, मार्केट में आपको ऐसा नहीं मिलता है, अब मिलेगा भी तो बहुत ही महंगा मिलता है, तो महंगा क्यों खाना, और ओरिजिनल खाइए, घर का बनाइए। प्लीज़ बनाइएगा जरूर और बताइए मुझे कि हाँ कैसा बना आप लोग का। और अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊँ तो आप लोग को मिले सबसे पहले। तो इसको कर लेते हैं रेडी। तो इसको टाइट कंटेनर बॉक्स में जो है रखिए, नहीं तो ये ख़राब होने का चांसेस होता है, नमी लग जाती है। तो मैंने लिया है 1 बाउल, और बाउल के अंदर मैं इसको रख दूँगी ऐसे।
टाइट कंटेनर में आप रखेंगे तो ये एक साल तक जो है इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और अब मैं इसको टाइट कंटेनर में बंद कर दूंगी। तो ये देखिए, ये बन गया हमारा जूसी, बहुत ही अच्छा जो है किशमिश।